मंडल को एक नया जीवन मिल गया। रानू मंडल जो कभी राणाघाट पर और स्टेशन पर बैठकर यूं ही भीख मांगती थी और गीत गुनगुना लिया करती थी, एक प्यार का नगमा है। लेकिन अब उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, और ये परिवर्तन कर दिखाया है हिमेश रेशमिया ने। लेकिन उसके पहले जिन्होंने ये नया जन्म दिया है अतिंद्र ने, जिन्होंने कि उनका वीडियो वायरल किया था स्टेशन पे जब वो बैठकर एक प्यार का नगमा है गा रही थी, उस वक्त जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये अतिंद्र ने ही किया था। उसके बाद जब हिमेश रेशमिया के पास ये वीडियो पहुंची वायरल होकर, तो फिर उन्हें याद आया कि सलमान के पिता सलीम खान ने कहा था कि जब भी बेटे तुम्हें कोई ऐसी आवाज मिल जाए जिसे तराशा जा सकता है तो तुम उस हीरे को जरूर तराशना। बस क्या था, हिमेश रेशमिया ने यूं चुटकी घुमाई और तराश दिया रानू की आवाज को, और फिर वो हीरा यूं चमक रहा है जिसकी चमक से बॉलीवुड भी अब रोशन है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, भोजपुरिया जगत के लोग भी उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं और चाहते हैं कि भोजपुरिया जगत के लिए भी रानू मंडल गाना गाए। खैर, हम अभी बात कर रहे थे रानू मंडल की, और इसी रानू मंडल की तरह ही एक और रानू मंडल सामने आई है, वो पेरू में। आखिर विदेश में ये रानू मंडल क्या कर रही है, देखिए ये रिपोर्ट और कौन है ये रानू मंडल। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में रानू मंडल की धूम मची हुई है, वहीं विदेश में भी ऐसी ही रानू मंडल नजर आई हैं, जिनकी सिंगिंग ने लोगों के दिल में जगह बना ली है। और वो सिंगर हैं ऐसी महिला जो गोद में बच्चे को लेकर सड़कों पर गाती हैं। रानू मंडल की ही तरह सड़कों पर गाना गाती एक विदेशी महिला का वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। ये महिला अपनी गोद में बच्चे को ली हुई दिखाई दे रही है। गाना गाकर पेट पालने वाली रानू मंडल के स्टार बनने तक की कहानी से तो अब तक आप सभी वाकिफ हो चुके हैं। रानू का कहानी शुरू होते ही कई लोगों ने उन्हें तारीफ भी किए और इसके अलावा बहुत सारे सपोर्ट के लिए हाथ भी खड़े हुए, लेकिन इस महिला के लिए अब तक कोई नहीं जागा है। जिस तरीके से रानू मंडल रेलवे स्टेशन के कोने में बैठकर एक प्यार का नगमा गा रही थी और तभी अतिंद्र चक्रवर्ती नाम के एक शख्स ने उनका वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर कर दिया था, इसी वीडियो से रानू रातों रात स्टार बन गई थी। वहीं रानू की ही तरह एक विदेशी महिला का भी वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। ये महिला रानू के जैसे सड़कों पर गाकर भीख मांग रही है, वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए नजर आ रही है। इस महिला का वीडियो UNHCR UN रिफ्यूजी एजेंसी के ऑफिशियल फेसबुक पर शेयर किया गया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, वेनेजुएलियन माँ पेरू की गलियों में गाती हुई। इस वीडियो में बताया गया है कि ये महिला पेरू की गलियों में हर रोज 2 घंटे तक अपने बच्चे को गोद में लेकर गाना गाती है। इस उम्मीद में है कि वहां से गुजरने वाले लोग उसे गाने के बदले में कुछ पैसे दे देंगे। ये महिला अपनी गोद में 9 महीने के बच्चे को लिए हुए है। गाने के बीच बीच में वो अपने बच्चे को दुलार करती दिखाई देती हैं। इस महिला के पास एक माइक भी है और उसके पास पैसे इकट्ठे करने के लिए एक बॉक्स रखा हुआ है। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अगर हम जाएं और वहां पर नजर दौड़ाएं तो रानू मंडल की ही तरह लोग इस महिला की आवाज की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही उसके जज्बे को भी सलाम कर रहे हैं। इस महिला की आवाज को लोग जादुई बता रहे हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि इस महिला को अपने साथ साथ बच्चे का भी पेट पालना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो के जरिए क्या इस महिला को भी रानू की तरह प्रोफेशनल तौर पर गाने का मौका मिलेगा या नहीं। रानू मंडल की अगर बात करें तो हिमेश रेशमिया ने उन्हें बॉलीवुड के तौर पर प्लेबैक सिंगिंग के लिए लॉन्च कर दिया है। अब प्लेबैक सिंगर लॉन्च कर चुके हिमेश रेशमिया ने बहुत सारे मौके दिए। सिर्फ हिमेश ने ही नहीं बल्कि सलमान खान ने भी और अक्षय कुमार ने भी इन्हें मौका देने का वादा कर दिया है। अब इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी दावा किया है। हिमेश के साथ एक नहीं बल्कि 3-3 गाने गा चुकी है रानू। रानू के हर गाने को खूब पसंद किया लोगों ने। रानू को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी लोगों ने तब जवाब दे दिया जब उन्होंने रानू को नकल ना करने की सलाह दी।
हिमेश रेशमिया तो यहाँ तक कह चुके हैं कि रानू का सुपरस्टार बनने का जो सपना है वो कोई नहीं तोड़ सकता, सुपरस्टार बनना तय है, कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, विदेश में है एक और रानू मंडल जो अपने बच्चे को गोद में लेकर और गाना गा रही है ताकि अपने बच्चे का पेट पाल सके, लेकिन आवाज इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही सुरीली है। क्या इस रानू मंडल को भी कोई मिलेगा तारनहार? क्या इस रानू मंडल की भी जीवन में आएगा परिवर्तन? बड़ा सवाल, आखिर कौन होगा वो जो इस रानू मंडल को उठाएगा, इस रानू मंडल के जीवन में भी नया सवेरा लाएगा? देखने वाली बात होगी, क्योंकि कला के पुजारी तो ये रानू मंडल भी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने सुझाव जरूर दें कि क्या इस रानू मंडल को भी सहारा मिलना चाहिए, क्या विदेश में जो विदेशी मीडिया है वो इनके गाने को इस तरीके से लेगी जिस तरीके से रानू मंडल के गाने को लिया गया, क्या विदेश में वो कलाकार हैं जो इस पेरू की महिला की गाने को सुने और उनकी कला को सराहे, क्या इस तरीके से उन्हें एक बेहतर नाम मिलेगा? ये सुझाव आप जरूर दें, आपके सुझाव का हमें रहेगा इंतजार। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।